हेलो फ्रेंड्स, रॉ टेटो की इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बेसिकली आज का हमारा वीडियो का टॉपिक जो है कार बैटरी चार्जर के ऊपर है, जो है 12 वोल्ट का। तो इसका ऊपर से कुछ लुक ऐसा दिखता है इसका, और बैक साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ चार्जर को पलट के। तो देख सकते हैं चार्जर जो है बैक साइड से इसका एक लीड निकला हुआ है जो पावर इन के लिए है, जो इसमें 220 वोल्ट जो है एसी इन होगा यहाँ से। तो यहाँ मैंने प्लग जो है इंस्टॉल कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे एम्पियर भी शो कर रहा है। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए, मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इस वीडियो से आप समझ जाएंगे आपको चार्जर कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने जो है यहाँ पे फ्यूज का ऑप्शन देखने मिलता है, पर फ्यूज जो यहाँ से हटा के आपका दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया जहाँ पे ऑन ऑफ स्विच होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑन ऑफ स्विच की जगह पे यहाँ पे फ्यूज दिया गया है, और यहाँ फिलिप्स लिखा गया है। बेसिकली दोस्तों, ये जो है चार्जर जो है ये हैंडमेड है, तो हाथ से इसे बनाते हैं, और ये जो है किसी कंपनी का नहीं है, ये तो वैसे ही फिलिप्स लिख दिया गया है। और यहाँ पे मेन का आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है, और सामने तरफ आपको देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जो बेसिकली यहाँ से एम्पियर कंट्रोल होता है। इसमें एम्पियर अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर देख सकते हैं। इसमें जो है आपको ये चार्जर जो है सिर्फ 12 वोल्ट का है, इसके अंदर आपको 24 वोल्ट नहीं देखने को मिलता है। तो सिर्फ 12 वोल्ट पे वर्क करता है ये, और ये सिंगल बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं इजिली। तो यहाँ से जो है आप एम्पियर सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो है 10 एम्पियर तक मेंशन है। तो ये जैसे ही इसका मैं मीटर का आपको रीडिंग बताता हूँ, जैसे अभी देख सकते हैं यहाँ पे 4.5 वोल्टेज 4.5 एम्पियर के करीब दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब बैटरी जो है थोड़ा बहुत चार्ज है। और ये ड्रॉप करके अगर मीटर जो है नीचे तरफ आ जाता है 2 की तरफ, तो बैटरी जो है आपको फुल चार्ज हो जाता है, और 10 की तरफ है तो बैटरी आपको फुल डेड है, यानी कि फुल डिस्चार्ज बैटरी। जब बैटरी डिस्चार्ज रहता है तो एम्पियर जो है फुल लेता है। ये देख सकते हैं इसका मीटर जो है हमेशा उल्टा काम करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर 6 एम्पियर करीब अगर है तो बैटरी जो है आपको थोड़ा बहुत चार्ज है, नहीं तो डिस्चार्ज है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे ड्रॉप कर दिया है, देख सकते हैं 2 पे आकर रुक गया है ये, ठीक है। अभी इस कंडीशन में क्या है, बैटरी जो आपको फुल चार्ज हो जाएगा तो ये 2 के करीब आके रुक जाएगा इसका जो है मीटर जो है। ये देख सकते हैं यहाँ पे एसी डीसी लिखा गया है, एम्पियर मीटर है बेसिकली। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं इसका नीचे, अगर मीटर पे आपको कोई फॉल्ट दिखता है तो नीचे की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। इसका वायर जो है काफ़ी सॉफ्ट है, और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लाइट है इसका वायर जो है। अगर आप चाहें तो वायर अलग से इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी जो ये चार्जर मैंने बाय किया है, तो इसके अंदर जो है वायर देख सकते हैं काफ़ी पतला लगा हुआ है, और यहाँ पे फ्यूज का भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। जहाँ पे फ्यूज होना चाहिए वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है फ्यूज़, और यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच की जगह पे इसमें फ्यूज़ देखने को मिलता है। तो बेसिकली फ्यूज जो है काफ़ी प्रोटेक्शन के लिए होता है, अगर बाई चांस आप उल्टा अगर इसका पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल जो है अगर आप आपस में टच कर देते हैं या फिर उल्टा लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में जो है ये शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है, फ्यूज़ आपका ब्रेक हो जाता है। इस तरीके से चार्जर जो है आप ले सकते हैं चाहे तो। बेसिकली ये देखा जाए तो ये सिंगल बैटरी का है, और आप डबल बैटरी का लेना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। इसका प्राइस बताऊंगा वीडियो में, शुरू से एंड तक बने रहिए। तो देख सकते हैं यहाँ फ्रंट में आप देखने को मिल जाता है, सामने तरफ ये मीटर जो है छोटा सा लगा हुआ है, इस पर आपका डिजिटल वाला भी मॉडल आपको देखने को मिलता है। बेसिकली डिजिटल मीटर क्या रहता है, उसमें एक्यूरेट बताता है। एम्पियर मीटर जो है ये निडल वाला जो है, इसमें भी एक्यूरेट बताता है, पर कई बार जो है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसके नीचे जो है स्क्रू देखने को मिलता है यहाँ पे एडजस्टिंग के लिए, तो इसे एडजस्ट कर सकते हैं आप चाहे तो। दोस्तों, काफ़ी लोगों के मन में ये रहता है कि ये जो बैटरी चार्जर है बेसिकली ये कार बैटरी को चार्ज करता है कि नहीं करता है, कितने एम्पेयर तक चार्ज करता है। देख सकते हैं ये जो है एमरॉन की बैटरी है 35 एम्पेयर की, तो मैंने इसको चार्ज पे लगा रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप बारीकी से ध्यान देंगे तो यहाँ पे स्पार्क हो रहा है, देख सकते हैं इसे अगर आप हटाएंगे और लगाएंगे तो स्पार्क करेगा ये। तो देख सकते हैं इसके अंदर सिंबल भी आता है यहाँ पे ग्रीन कलर का बैटरी फुल चार्ज हो जाने पर। और देख सकते हैं ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इस पर जो है स्पार्क आएगा यहाँ पे, इसको जैसे टच करेंगे ये देख सकते हैं स्पार्क आ रहा है इसके अंदर। तो एम्पेयर जो है ये 5 एम्पेयर का आपको बैटरी चार्ज देखने को मिलता है। दोस्तों, काफ़ी लोगों का मन में क्वेश्चन रहता है क्या ये बड़ी बैटरी चार्ज कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका जो बैटरी है अगर 60 एम्पेयर से ज़्यादा का है तो उसे ये चार्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, पर चार्ज कर देगा ये, ऐसा जो चार्ज नहीं करेगा चार्ज कर देगा। अब देख सकते हैं ये मेरे पास SF सोनी का बैटरी, तो बेसिकली इसको मैंने फुल चार्ज कर दिया है। तो ये भी है जो आपको 34-35 एम्पेयर में देखने को मिलता है, तो ये फुल चार्ज हो चुका है अब इस समय। अगर चाहे तो आप इन्वर्टर का बैटरा भी चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है 1200 रुपये का आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने मिलता है, ऑनलाइन कॉस्टली हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।